जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जीएम ने बताया कि शासन द्वारा खेल कार्यक्रमों के विकास एवं खिलाड़ियों के खेल में निखार लाने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत विविध योजनाएं क्रियान्वित की गई है। खेल के प्रति युवाओं में रुचि पैदा हो, इस हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। खेल स्वास्थ्य के बेहतरी के साथ साथ आपसी मैत्री संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी काफी महत्व है और खेल में लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि समिति की बैठक नियमित रूप से कराई जाए तथा उसका अनुश्रवण निरंतर किया जाए। खेल के माध्यम से लोगों में जुड़ाव के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास होता है, इसे जन अभियान के रूप में मनाएं। जिला प्रशासन खेलों को विकसित करने की दिशा में हर संभव सहयोग हेतु तत्पर है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने रीजनल स्टेडियम में उपलब्ध खेल अवस्थापनाओं, बैडमिंटन हॉल, कुश्ती हॉल, बॉक्सिंग हॉल के जीर्णोद्वार तथा इन हॉलों की साफ सफाई हेतु सफाई कर्मचारी तैनात करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्टेडियम के पेयजल व्यवस्था हेतु RO वाटर की उपलब्धता के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अरुण साही, धीरज सिंह, हरीश, दिनेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा खिलाड़ी मौजूद रहे। आज जिला खेल विकास प्रोत्साहन समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी समिति है, उसके सभी मेंबर्स यहां उपस्थित हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सर हमारी ये न्यूली फॉर्म समिति है, 27 जुलाई 2020 को नया जीओ जारी हुआ, तो पहले इसका दायरा बहुत सीमित था, अब इसके दायरे को बड़ा किया गया है और इसमें 29 डिपार्टमेंट को और शामिल किया गया ताकि खेल की डेवलपमेंट को अधिक से अधिक किया जा सके। जिलों में सहयोग से हम लोग स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन को अच्छे से कराएंगे। सर इसमें जैसा आपका निर्देश था, जैसे आपने आज ही कहा हमें स्पोर्ट्स के लिए एक मीटिंग बुलाइए और फौरन अशोक शाही जी आपसे ही बयान के आप कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं और सर सब वेलकम यू आर वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू तो यू आर मोस्ट वेलकम सुधीर साहब एंड डिसीजन लाइक ऑल दिस एंड वेन यू और यहाँ जिला कबड्डी संघ बोर्ड से उनका अध्यक्ष हूँ और गोरखनाथ मंदिर के खेल से आयोजन से संबंधित सारी जिम्मेदारी भी निभाता हूँ। सर धीरज सिंह हरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूपी हॉकी, प्रेसिडेंट गोरखपुर। आपकी आज्ञा होगी सर, मैं इसका अनुरोध करूँ। हाँ लेकिन इसमें पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समिति के सदस्य और खेल जगत में जुड़े हुए और खेल के प्रति आस्था रखने वाले सभी को मैं स्वागत करता हूँ और दो तीन चीज़ें प्रारंभिक बातें, ये बैठक नियमित होनी चाहिए क्योंकि बहुत काम है और बहुत स्कोप भी है और एक बहुत अच्छा काम है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए नियमित बैठक है, नियमित समीक्षा और एक बैठक में जो निर्देश देता अगली बार उसका अनुपालन होना अनिवार्य होना चाहिए। किसकी क्या जिम्मेदारी है करना है।